लिटिल एंजल्स हाई स्कूल ग्वालियर में आप सभी विद्यार्थियों का नए सत्र में स्वागत है। बच्चों, अनुशासन को अपनाना है, कोरोना को हराना है। नमस्कार, मैं आभा, हिंदी टीचर LEHS ग्वालियर से। आज हमें अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए घर पर रहकर सुरक्षित रहना है। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। भाषा का मूल आधार ध्वनि है और ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। यहाँ एक वाक्य है, 3 शब्दों के इस वाक्य में कई ध्वनियाँ हैं, है ना? तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी? भाषा की वह लिखित मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज मैं वर्ण विचार के अंतर्गत निम्नलिखित विषय पर प्रकाश डाल रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। हमारा आज का विषय क्या है? आज के विषय के अंतर्गत स्वर के भेद मैं बताऊँगी, व्यंजन के भेद और फिर वर्ण विच्छेद। स्वर के भेद, स्वर के बच्चों 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्रलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर हो गए बच्चों आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्रलुप्त स्वर हो जाते हैं ओम, राम। अब ह्रस्व स्वर को हर्ष स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मात्रा के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जब आप इसकी मात्रा का उच्चारण करेंगे तो इसमें बहुत कम समय अनुभव होगा। दीर्घ स्वर में जब हम मात्रा के उच्चारण को करते हैं तो उसमें हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, इसलिए हम इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आप उच्चारण करके देखिए स्वयं, आ, ई, उ, लग रहा है ना लंबा समय? तीसरा है प्रलुप्त स्वर। बच्चों, प्रलुप्त स्वर का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है, उन्हें हम प्रलुप्त स्वर कहते हैं। ये स्वर के, स्वर वर्ण के ये 3 भेद हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए व्यंजन के भेद देखते हैं। व्यंजन वर्ण के बच्चों 4 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, अब उसको विस्तार से समझें। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के 2 अंग परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अर्थात टच करते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे आप क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ज्ञ। आप इनका उच्चारण करके तो देखिए। ट वर्ग, उसमें भी स्पर्श हो रही है, मुंह जो है वो 2 अंगों को स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार से त वर्ग है और प वर्ग है। अब व्यंजन का दूसरा भाग है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का लगता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय में बच्चों जीभ जो है मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से टच नहीं करती, थोड़ी बहुत करती है। आप इसका उच्चारण करके देखिए। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। य से यज्ञ, र से रेलगाड़ी, है ना? अब तीसरा है व्यंजन वर्ण का भेद ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा अत्यधिक रगर खाने के कारण ऊष्म हो जाती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, आप इसका भी उच्चारण करके देखिए। श, श से शलजम, स, स से षटकोण, स, स से सांप और ह, ह से हाथी। ये 4 हैं, इसको हम
उष्म व्यंजन कहते हैं। आखिरी व्यंजन का भेद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है बच्चों मेल। संयुक्त का अर्थ है मेल। तो दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्षत्रिय का चित्र है क्ष, त्रिकोण है त्र, ज्ञ से ज्ञानी है ज्ञ और श्र से श्रमिक है। क्ष देखिए क और श मिलकर अक्ष बन रहा है प्लस अ, यहाँ दो व्यंजनों का मेल है जिससे ये क्षत्रिय क्ष बन रहा है। उसी प्रकार से त्रिकोण में देखिए बच्चों त और र दो व्यंजन हैं, दोनों में हनंत लगे हैं प्लस अ मिलकर त्र बन रहे हैं। तीसरे चित्र में ज्ञानी ज प्लस ज्ञ दोनों में हलंत है प्लस अ मिलकर ज्ञ बन रहे हैं। और श्रमिक में श्र कैसे बन रहे हैं, श प्लस र, ये भी दो व्यंजन हैं और दोनों व्यंजनों को जोड़कर श्र बनाया गया है। तो व्यंजन के भेद आपको स्पष्ट हो गए होंगे, आप इन्हें उच्चारण कर अवश्य ही अभ्यास करें। अब आइए वर्ण विच्छेद समझते हैं। बच्चों वर्ण विच्छेद में यहाँ देखो कमल का चित्र दिया गया है, ठीक है बच्चों। कमल एक शब्द है और इसकी एक एक वर्ण को अब हम विच्छेदित करेंगे, यही वर्ण विच्छेद है। शब्द के वर्ण को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद है। देखिए क में हलंत प्लस अ, प्लस म में हलंत प्लस अ, प्लस ल में हलंत प्लस अ, ये कमल का वर्ण विच्छेद हो गया। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखने को ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अन्य उदाहरण में बच्चों सूरज है, सूरज का वर्ण विच्छेद देखो स हलंत प्लस बड़ी उ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस ज में हलंत प्लस अ। उसी प्रकार से भारत है भ हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ। मुझे उम्मीद है बच्चों आज वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर के भेद, व्यंजन के भेद और वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं और कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे घर पर बैठकर अभ्यास उच्चारण करके और उत्तर पुस्तिका में लिखकर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।